आपको यह तो पता है कि पाकिस्तान में इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। पाकिस्तान कभी चाइना से तो कभी IMF से लोन मांगता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान अपने इकोनॉमी सुधारने के लिए अपने ही देश के गधों और कुत्तों को चाइना को बेचने जा रहा है? अच्छा बात नहीं है। और ये पहली बार नहीं है कि जब चाइना पाकिस्तान से जानवरों को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। इससे पहले भी पाकिस्तान चाइना को जानवरों को एक्सपोर्ट कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में उन देशों में तीसरे नंबर पर आता है जिनके पास सबसे ज्यादा गधे हैं। और इस समय पाकिस्तान में 57 लाख गधे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना पाकिस्तान से गधों को इम्पोर्ट करके क्या करेगा। दरअसल चाइना गधों में इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि चाइना की ट्रेडिशनल मेडिसिन इजाओ और जिलेटिन को बनाने में गधे की स्किन का यूज होता है, और ये मेडिसिन ब्लड सर्कुलेशन और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इस मेडिसिन की डिमांड चाइना में बहुत ज्यादा है, और यही कारण है कि चाइना पाकिस्तान से गधे इम्पोर्ट करने वाला है। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के बारे में तो आपको पता ही है। इस काम के जरिए पाकिस्तान चाइना के साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशन और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान हर हाल में चाइना के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और इससे पाकिस्तान का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। चाइना पहले नाइजर और बुर्किना पासो से गधों को इम्पोर्ट करता था। इसके बाद इन दोनों देशों ने गधों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। पहले चाइना में भी गधों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन चाइना ने धीरे धीरे करके अपने सारे गधों को मार दिया। गजब तो भी आ जाती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।